मित्रों, दुर्गा सप्तश्लोकी के बारे में मैंने आपको बताया, दुर्गा मां के 32 नामों की महिमा भी हमने बात की। आज हम दिव्य अथर्व शीर्षम के एक श्लोक के बारे में बात करेंगे। दिव्य अथर्व शीर्षम को मैंने पिछली बार पिछले नवरात्र में प्लेलिस्ट के तौर पर आप तक पहुंचाया था। उसके 5 पार्ट्स हैं, आप उस प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। उसमें ह्रीम मंत्र की व्याख्या, नवार्ण मंत्र की व्याख्या और पूर्ण जो दिव्याथर्व शीर्षम है, श्री विद्या मंत्र है, उसकी व्याख्या मैंने की है, तो आप सुन सकते हैं उसे। आज उसी में से एक श्लोक मैं आपको बताता हूं। वह श्लोक है, नमामि त्वं महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्ग प्रशमनी महाकारुण्य रूपिणी। यह श्लोक अपने आप में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए सक्षम है। यदि आप इस श्लोक को पूरी तरह से अपने अंदर मंत्र की तरह संजो लें, तो आपको निश्चित ही मां दुर्गा का आविर्भाव आपके अंदर प्राप्त होगा, मां दुर्गा का अवतरण आपके अंदर होगा। महाभय विनाशिनी, नमामि त्वं महादेवी, मैं हे महादेवी मैं आपको नमन करता हूं। महाभय विनाशिनी, सब प्रकार के भयों को मुक्त करने वाली और महाभयों को मुक्त करने वाली, उनका विनाश करने वाली। महादुर्ग प्रशमनी, महादुर्ग, दुर्ग का अर्थ है दुर्गम, दुर्गम से दुर्गम परिस्थिति जो कि संकट से बड़ी है और संकटों की महासंकट है, उसको भी प्रशमनीम यानी शांत करने वाली, महाकारुण्य रूपिणी, करुणा का सागर उसका रूप, हे मां मैं आपको नमन करता हूं। इस श्लोक को आप अपने अंदर उतारिए और इसका जाप कीजिए, पाठ कीजिए, पठन कीजिए, अध्ययन कीजिए, आपको मां दुर्गा की कृपा अपने अंदर जरूर प्राप्त होगी। दिव्य अथर्व शीर्षम सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स है। दिव्य अथर्व शीर्षम मां के स्वयं के बारे में बताने से लेकर देवों के मां की स्तुति तक और मां के रहस्यों से भरा है, तो यह श्लोक उसी में से एक है। आप ये डेफिनेटली अगर आप करते हैं तो आपको महासंकटों से मुक्ति मिल सकती है। कैसे? मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानियां हैं जो कि काफी देर से चल रही हैं और उन संकटों का कोई भी समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोई भी जीवन में ग्रह जनित बाधा है, जीवन में शादी से संबंधित बाधा है, जीवन में परिवार रिलेशनशिप्स इनसे संबंधित बाधा है, तो आप इसका जाप करें और मां से प्रे करें कि मां मुझे इन संकटों से मुक्ति दिलाएं। उनके करुणा रूप को ध्यान में रखकर, मां के उस ऊर्जा रूप को ध्यान में रखकर उनका अवतरण खुद में करें और उन्हें याद करते हुए मां का ये मंत्र जपें, मां का ये श्लोक जपें। आपको जीवन में सुख समृद्धि, महा भय से मुक्ति, भयहीनता, वीरता और खुशी और करुणा और मां की कृपा प्राप्त होगी। इसको आप दैनिक पूजा में भी शामिल कर सकते हैं और आप 21 दिन 11 दिन का अनुष्ठान भी इसके लिए कर सकते हैं। यदि आप 11 दिन का अनुष्ठान इनके लिए कर रहे हैं या 21 दिन का अनुष्ठान इस मंत्र का कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, कोई भी माला आप प्रयोग कर सकते हैं, आप दैनिक पूजा में इन्हें शामिल कीजिए या फिर 21 दिन का जो अनुष्ठान है वो कीजिए। अनुष्ठान, पुरस्चरण या कुछ भी आप करना चाहें इसका कर सकते हैं और बाद में इसी का दशांश हवन कीजिए, तो आपको महाभय महासंकट से मुक्ति मिलेगी और मां की करुणा आपको प्राप्त होगी। तो दोबारा से मंत्र को मैं दोहराता हूं, नमामि त्वं महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्ग प्रशमनी
महाकारुण्य रूपिणी। तो मां की करुणा इस मंत्र से आपको प्राप्त हो, मां की कृपा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में बड़े से बड़ा संकट उसका नाश हो और आपके जीवन में बड़े से बड़ा भय, शत्रु रूपी विचार या कोई भी ऐसी परिस्थिति उसका नाश हो।